नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस ब्लॉग में जो है महाराष्ट्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान का। हमने हमारी ट्रिप ओल्ड सीबीएस नासिक से स्टार्ट की। लगभग 1 घंटा 45 मिनट से करीब करीब 2 घंटे का वक्त लगा। अब आपके ट्रैवल प्लान में सापुतारा ये हिल स्टेशन भी ऐड कर सकते हैं जो वनीगढ़ से नज़दीक है। ये हिल स्टेशन महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर पे स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए 45 से 1 घंटे का वक्त लगता है। तो चलिए महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से अर्धशक्तिपीठ श्री सप्तशृंगी माता गढ़ के दर्शन के लिए। आप यहां पे पहुंचने के लिए खुद की प्राइवेट व्हीकल या फिर गवर्नमेंट बसेस जो ओल्ड सीबीएस डेपो नासिक से रोज़ाना निकलती है उनका उपयोग कर सकते हैं। और ये है पहला द्वार जहां से आपके वनीगढ़ की यात्रा शुरू होती है। चलिए जानते हैं इस जगह की महत्वता। महिषासुर राक्षस के विनाश के लिए सभी देवताओं ने माता की आराधना की, तभी देवी ने यहाँ प्रकट होकर उसका वध किया था। इसीलिए देवी को महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। श्री सप्तशृंगी माता, महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी ऐसे 3 देवियों का स्वरूप है। इस तरह 7 पर्वतों को पार करने के बाद हम पहुंचे श्री सप्तशृंगी माता मंदिर के नीचे। और ये है वो फनिकुलर ट्रॉली जिसकी वजह से यात्रा करना या फिर माता का दर्शन करना बहुत ही आसान हो गया है। ट्रॉली के अलावा यहाँ पे सीढ़ियों की मदद से भी आप माता का दर्शन कर सकते हैं। लगभग 500 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ती है। ट्रॉली सर्विस का टिकट अडल्ट्स के लिए 100 रुपये और बच्चे और वृद्ध लोगों के लिए 50 रुपये है। आपको यहाँ पे स्मार्ट कार्ड दिए जाते हैं जो हर एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर आपको दिखाने पड़ते हैं। ट्रॉली पकड़ने के लिए आपको अंदर की तरफ से जाना होता है जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है। देवी को चढ़ाए जाने वाली सामग्री, प्रसाद, वॉशरूम फैसिलिटी या फिर फूड कोर्ट एरिया, ये सब यहाँ पे मौजूद है। कहते हैं देवी माँ अपने हर भक्त की इच्छा पूर्ण करती है और हर भक्त अपने इच्छा अनुसार या श्रद्धा अनुसार देवी को चढ़ावा चढ़ाते हैं। वीकेंड होने की वजह से यहाँ पे बहुत भीड़ थी। पैंडेमिक के चलते हमें छोटी छोटी संख्याओं में अलग अलग वेटिंग रूम में रुकाया गया। ट्रॉली के नज़दीक ही चप्पल या जूते रखने की सेवाएं उपलब्ध है। आप देख सकते हैं कि देवी को चढ़ाने वाली जो भी चीज़ें लगती है वो ट्रॉली के नज़दीक भी उपलब्ध है, जो आप आसानी से यहाँ से लेके ट्रॉली में जा सकते हैं। यहाँ पे मंदिर का प्रसादालय भी मौजूद है जहाँ पे 15 रुपये थाली के लिए और VIP बुफे के लिए 50 रुपये लिए जाते हैं। यह मंदिर उतरने के बाद नज़दीक में ही स्थित है।
सुबह 11:30 से 2 बजे तक और शाम को 7:30 से 9 बजे तक ये खुला रहेगा। यहाँ पे 2 ट्रॉलीज ऑल्टरनेटिवली चलाई जाती हैं। हर एक ट्रॉली में 5 द्वार होते हैं जिसके अंदर 10 लोगों की कैपेसिटी होती है। कुल मिला के 50 लोगों तक की कैपेसिटी ये ट्रॉली उठा के नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आते रहते हैं। ट्रॉली से उतरने के बाद एक फ्लोर चढ़िए और आप पहुंच गए डायरेक्टली मंदिर के अंदर। माता के दर्शन के लिए यहाँ पे कुछ लोग सीढ़ियों से तो कुछ ट्रॉली से आते हैं, इसीलिए मंदिर के अंदर आपको भीड़ दिखाई देगी। सप्तशृंगी देवी की यह स्वयंभू मूर्ति लगभग 8 फीट ऊंची है। देवी के 18 हाथ है और हर हाथ में अलग अलग अस्त्र और शस्त्र है जिनका उपयोग करके उन्होंने महिषासुर का वध किया था। देवी के इस स्वरूप को इतने नजदीक से देख के एक अनोखी प्रेरणा मिलती है। इस पर्वत के 7वें शिखर पे देवी विराजमान है, इसीलिए इनका नाम पड़ा श्री सप्तशृंगी देवी। नीचे उतरते समय बाई तरफ आपको सीढ़ियों का रास्ता भी दिखाई देगा। ट्रॉली से उतरने के बाद आप खाना फूड कोर्ट एरिया में भी खा सकते हैं, जहाँ पे महाराष्ट्र के लोकल स्नैक्स, या अलग कुजीन्स भी मिलते हैं। देवी के इस अद्भुत स्वरूप को देखने के लिए आप जरूर आइए। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए। टिल देन बाय।